नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड मनोज। आज हम मारुति एर्टिगा VDI में GPS इंस्टॉल करेंगे विथ रिले, जिससे मोबाइल से इंजन ऑन ऑफ कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी ये इसका फ्यूज बॉक्स है, इसको यहाँ पर क्लिप है, इसको अच्छे से थोड़ा सा नीचे करने से निकल जाता है। अभी देखिए यहाँ पर इसका सिस्टम है, यहाँ पर देखिए पूरा डायग्राम इधर दिया हुआ है, A to Z जो भी डायग्राम है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इग्निशन का वायर है 40, देख सकते हैं यहाँ पर 40 एम्पेयर का है, ये इग्निशन का है, यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर एक 40 एम्पेयर का है, वो बैटरी का कनेक्शन है। यहाँ पर ही हम रिले का कनेक्शन देंगे, रिले भी चेक करते हैं। देखिए यहाँ से हमने जो देखिए फ्यूज था, उसको फ्यूज को निकाल चुके हैं। अभी यहाँ पर हम चेक करेंगे इसमें इग्निशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी इसमें चेक करते हैं, ये जो हमने 40 एम्पीयर का देखिए यहाँ पर फ्यूज निकाला है, इसमें ही हम रिले का कनेक्शन देंगे। और ये जो कनेक्शन गैप है, ये मेन कनेक्शन है। देखिए ये 12 वोल्ट का बोल्ट इसमें आता है, इसमें हम मेन करंट देंगे। और बाकी इसमें देखिए ये जो कपलर है, ये कपलर में हम इग्निशन का कनेक्शन देंगे। अभी कैसे कनेक्शन दे रहे हैं आप देखिए, देखिए ये रिले का कनेक्शन है, इसमें 4 वायर देता है। देखिए ये 2 ग्रीन कलर का वायर है, एक रेड का है, एक येलो का है। अभी इसमें हम कनेक्शन देंगे, पूरा कनेक्शन इसी में ही होगा। देखिए बस ये फ्यूज बॉक्स में हम इसमें रिले लगाएंगे, क्योंकि फ्यूज बॉक्स में जगह बहुत ही कम है। देखिए यहाँ पर देखिए स्पेस बहुत ही कम है, देख सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें हम दे देते हैं तो उसका कवर लगने में थोड़ा दिक्कत देगा, तो हमने इसीलिए देखिए यहाँ पर जो हमने देखिए रिले का जो कनेक्शन है, उसमें थोड़ा सा वायर हमने देखिए एक्सटेंशन कर लिए। अभी जो ग्रीन कलर का वायर है, जो हमने रिले जिसमें लगाएंगे, इसमें देखिए वो वायर बहुत छोटा था, इसलिए हम थोड़ा सा वायर इसको कनेक्शन दे रहे हैं, रिकनेक्शन कर रहे हैं, दे सकते हैं। ये जो रेड कलर का हमने वायर लिया है, वही जो ग्रीन कलर है, ये दोनों में ही हमने एक्सटेंशन किए हैं, क्योंकि इसको नीचे से हम लेंगे। अगर यहाँ से नीचे से लेंगे, यहाँ पर देंगे तो वो ये क्लिप लगने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब ये जो कवर है ना, वो कवर आराम से लग जाएगा। ये GPS का जो कनेक्शन है, इसमें भी 4 कनेक्शन है। देखिए एक रेड कलर का है, एक ऑरेंज का है, येलो का, ब्लैक का है। देखिए ये जो रेड कलर का वायर है, हमने जो देख सकते हैं ये जो रिले है, रिले का जो वाइट कलर का वायर से, अभी देखिए ये जो रेड कलर का वायर है, उसको अच्छे से हमने टैग कर चुके हैं। देखिए अभी ये जो कनेक्शन है, ये फ्यूज बस में लगेगा। अभी आपको इसका कनेक्शन दिखा रहे हैं। अभी देखिए जो रिले के कनेक्शन वाइट कनेक्शन है, उसमें GPS का रेड कनेक्शन, उसको कनेक्शन दे चुके हैं। देखिए दोस्तों ये जो सारा का कनेक्शन है, यहाँ पर देखिए साइड से हम लेके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये साइड से लेके आ रहे हैं, नीचे से लेके। देखिए ये मेन का कनेक्शन है जो रिले का है, और ये दो जो कनेक्शन है वो देख सकते हैं, वो रिले का इग्निशन का कनेक्शन है। देखिए ये भी कनेक्शन था, इधर से लेके इसको क्लिप कर चुके हैं, देख लीजिए। देखिए जो रिले का जो वाइट कलर का कनेक्शन है, देखिए अभी फ्यूज बॉक्स में ये जो कनेक्शन बाकी था, जो मेन का कनेक्शन था, उसमें हम दे रहे हैं। अभी ये जो दो कनेक्शन है, जो रिले से लेके आए थे, इग्निशन का कनेक्शन है, वो देखिए जो फ्यूज हमने निकाला था उसी में दे रहे हैं। देखिए रिले का जो येलो कलर का वायर है और GPS का जो येलो है, ये दोनों को अच्छे से टैग कर चुके हैं। देखिए येलो, ये देखिए रिले का जो भी कनेक्शन था वो हमने बराबर दे चुके हैं। यहाँ पर देखिए इग्निशन का दो कनेक्शन है,
ये जो हमने फ्यूज बॉक्स फ्यूज निकाला था उसमें हम कनेक्शन दे चुके हैं। अभी देखिए ये मेन कनेक्शन है जो 12 वोल्ट का कनेक्शन है, ये मेन है जो रिले का वायर से निकला हुआ है, और जो इग्निशन का कनेक्शन था अभी इसमें हम इसमें दे रहे हैं, देखेंगे इसमें इग्निशन ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं। अगर नहीं इसमें कुछ दिक्कत आएगा तो हम इसमें चेक करेंगे यहाँ पर से कौन सा इग्निशन में करंट आ रहा है उसी में ही देंगे। ये एक्टिवेशन करने के बाद हम देखेंगे। इग्निशन का कनेक्शन हमने चेक कर चुके हैं, ये जो कपलर निकला था जो येलो कलर का कनेक्शन है ये इग्निशन का कनेक्शन है। अभी देखिए इसमें हम इग्निशन का वायर जो यहाँ पर दिए थे वायर हम उसको यहाँ से निकाल चुके हैं, अभी यहाँ पर देंगे। देखिए अंदर जाके उसको क्लिपिंग कर रहे हैं। देखिए क्लिप हो चुका है, अभी जो भी कनेक्शन था बराबर हो चुका है। यहाँ पर अर्थिंग का देखिए ओनली अर्थिंग का कनेक्शन बाकी है, उसका हम दे देंगे। देखिए ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये ग्राउंड अर्थिंग का कनेक्शन है, उसको अभी दे रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर इग्निशन का जो भी कनेक्शन था उसको दे चुके हैं, ये मेन कनेक्शन था। देखिए यहाँ पर इग्निशन का कनेक्शन हो चुका है, अभी अर्थिंग का कनेक्शन दे रहे हैं। गाड़ी में जहाँ पर भी प्रॉपर अर्थिंग आ रहा है वहीं पर ग्राउंड दीजिए। ये ग्राउंड का कनेक्शन अभी देखिए यहाँ पर प्रॉपरली हो चुका है, इसको अर्थिंग कनेक्शन भी कहते हैं। देखिए अभी ये बोस्ट्रैक का जीपीएस है, देखिए यहाँ पर सिम डाला हुआ है, एक स्विच है, स्विच को हमने ऑन कर चुके हैं। अभी देखिए ये प्रॉपरली ब्लिंक कर रहा है लाइट, ये जो रेड कलर का इग्निशन, ये रेड कलर का जो कनेक्शन है ना वो मेन का कनेक्शन है, बीच में हम देख सकते हैं येलो का कनेक्शन है वो सिम का है, और साइड में देखिए जो ब्लिंक कर रहा है ब्लू का वो सैटेलाइट का कनेक्शन है, इसका मतलब कनेक्शन बराबर है। अभी जीपीएस को एक्टिव करते हैं, फिर इसको हम अच्छे से सेटिंग करके रखेंगे, उसको क्लिपिंग करके रखेंगे क्योंकि फर्दर कुछ प्रॉब्लम एक्टिव हो चुका है। अभी देखिए रिले को हम यहाँ पर इंस्टॉल कर चुके हैं टाई दे के, देखिए ये बराबर से कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है जीपीएस का जो कनेक्शन है। अब यहाँ पर देखिए हम जीपीएस को भी इंस्टॉल कर चुके हैं, नीचे से जीपीएस देखिए, जीपीएस भी हम रख चुके हैं इधर, अभी बराबर कनेक्शन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, कनेक्शन हो चुका है, इसका कवर भी है, जो कवर हम उसको दे चुके हैं देख सकते हैं, ये लॉक हो चुका है। देखिए ये कनेक्शन लॉक बराबर लॉक हो चुका है। चलिए दोस्तों अभी दूसरा वीडियो में देखते हैं।